मिडिल एजुकेशन के एक धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। फाइनली मेरे प्यारे बच्चों का यही मैसेज आ रहा था कि मिडिल एजुकेशन आप कक्षा दसवीं के बच्चों के लिए इतना कुछ करते हो, हमारे लिए भी कुछ करेंगे क्या। आप लोग का मैसेज जैसे ही पढ़ा मैं एक्टिव हो गया एंड फाइनली लीजिए अब कक्षा नौवीं की हिंदी के उन सभी क्वेश्चंस को लेकर के आ चुका हूँ जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि जिस क्वेश्चंस को मैं टिक कर दूं उसे अच्छे से पढ़ के जाना, डेफिनेटली तुम्हारे स्कूल में देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, जिस प्रकार से मैं कक्षा दसवीं के बच्चों के लिए टॉपर सीरीज के सभी क्वेश्चंस, फिर उनके सामने मॉडल पेपर, रियल पेपर, ये सब प्रेजेंट किया हूं, तुम्हारे सामने भी यही सब करने वाला हूं। अगर आप मेरे बनाए हुए सभी वीडियो को बहुत अच्छे से और रेगुलर फॉलो करते हैं, आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहता है, तो मैं इस टॉपर सीरीज 2024 को कंटिन्यू करूंगा। इस सीरीज का नाम दूंगा टॉपर सीरीज वर्ष 2024। देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने मैं वर्ष 2023 का हिंदी का आदर्श प्रश्न पत्र या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि क्वेश्चन बैंक लेकर के आ चुका हूं। अब यहां पर बोलोगे सर 2024 का दिखाइए, एक चीज बता देता हूं, 2024 का क्वेश्चन बैंक माध्यमिक शिक्षा मंडल जारी किया ही नहीं है, 2023 से ही प्रश्न पूछ रहा है। और आप खुद देखोगे कि जो आपका प्री बोर्ड परीक्षा हुआ था पूरा का पूरा 100% क्वेश्चन आपके इसी क्वेश्चन बैंक से आया था, इसीलिए क्वेश्चन बैंक में जितने भी क्वेश्चन है सभी को अच्छे से पढ़ना है। जैसे मैं ओपन करता हूं सबसे पहले देखने को मिलता है ब्लूप्रिंट। यदि मैं अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट चलूं तो सबसे पहले आता है काव्य खंड, फिर आता है आपका काव्य बोध, फिर आता है आपका गद्य खंड, फिर आता है आपका भाषा बोध, फिर आता है कृतिका भाग एक, फिर आता है अपठित बोध, पत्र लेखन और अंतिम में आपका अनुच्छेद लेखन और निबंध लेखन। इस प्रकार से हमसे देखने को मिलेगा। यदि मैं काव्य खंड की बात करूं तो टोटल 17 नंबर का यहां से आएगा। आपके वस्तुनिष्ठ देखने को मिलेगा 6, 2 अंकीय प्रश्न 4 रहेंगे, 3 अंकीय प्रश्न 1 रहेगा। इस प्रकार से आपका रहेगा ब्लूप्रिंट। तो इस वीडियो में हम काव्यखंड के सारे क्वेश्चन आंसर को समझेंगे, फिर आगे नेक्स्ट कई पार्टों में वीडियो आएगा, लगभग 5 पार्टों में आएगा और 5 पार्ट में हिंदी पूरा कवर कर दूंगा। जैसे मैं ओपन करता हूं सबसे पहले हमें देखने को मिलता है एक मॉडल पेपर जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। चलिए आगे, ये रहा आपके सामने कक्षा नौवीं हिंदी। यहां पर हमारा पहला नंबर कहता है कि कबीर दास की एक रचना है, ये तुम्हारे परीक्षा में देखने को मिलेगा और यहां पर इसका सही आंसर बीजक हो जाएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कहता है रसखान किस भक्ति शाखा के कवि हैं, तो आप सबको पता है कि रसखान जो थे वो कृष्ण भक्ति शाखा करके, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्या कहता है, प्रश्न क्रमांक 4, सुमित्र नंदन पंत का जन्म कहां हुआ था, तो इसका सही आंसर आपको लिखना है कौसानी गांव में, अर्थात ऑप्शन नंबर आ इज करेक्ट आंसर। इस प्रकार से पहला दूसरा चौथा ये तीनों इंपॉर्टेंट है। बाकी एक नंबर के क्वेश्चंस आपको टेस्ट के माध्यम से प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिस प्रकार से कक्षा दसवीं के बच्चों को प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, ठीक है, तो आप भी टेस्ट से जुड़िएगा, जल्द ही आपके लिए भी टेस्ट स्टार्ट किया जाएगा। अब यहाँ से हमारे 2 नंबर के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। पहला नंबर जो आएगा आपकी परीक्षा में, मान सरोवर से कवि का क्या आशय है, तो मान सरोवर का मतलब होता है मन रूपी सरोवर, अर्थात पवित्र हृदय, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट कहता है हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है, तो सिंपल सर आपको पता है कि हथकड़ियों को गहनों का उपयोग अपराधियों को बांधने के लिए करते थे, लेकिन कवि का ऐसा कहना है कि देश प्रेम तथा स्वतंत्र सेनानियों के लिए गहनों से कम नहीं है क्या ये हथकड़ियां, उन्होंने यह देश को स्वतंत्र कराने के लिए महान उद्देश्य को पूरा करने के लिए पहनी थी, इसलिए हथकड़ियों को गहना कहा गया है। मतलब आपको पता है ना कि कई सारे स्वतंत्रता सेनानी को भी जेल जाना पड़ा था और वो जेल इसलिए गए थे कि देश को स्वतंत्र कराने के लिए उन्होंने बलिदान दिया था, इसलिए कवि ने हथकड़ियों को गहना कहा है कि वो गहना कम नहीं वाली। आगे बढ़ते नेक्स्ट हमारा 5वां नंबर कह रहा है कि कोयल की कुकू सुनकर कवि माखनलाल चतुर्वेदी की क्या प्रतिक्रिया थी, ये प्रश्न पहले पूछता था लेकिन अब नहीं आएगा। आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा कि कवि माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही थी, तो यहां पर आपको लिखना है कि कोयल स्वतंत्र है, स्वच्छंद होकर के उड़ सकती है, परंतु कवि काल कोठरी में कैद है, कोयल की गीतों को सुनकर लोग खुश होते थे जबकि कवि को रोना भी मना था, इसलिए उन्हें कोयल से ईर्ष्या हो रही थी। मतलब कवि ऐसा कहते थे यार कोयल जैसे हो ना, एकदम स्वच्छंद उड़ो, कोई टेंशन नहीं, चिल करो जिंदगी में, और कभी ऐसा चिल नहीं कर पा रहे थे इसलिए इनको ईर्ष्या हो रही थी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएगा, कभी पंत ने गांव को हरता जनमाना क्यों कहा है? तो भैया इसलिए कहा है कि खेतों में अनेक फसल और फूल रही है, वह खेत में दूर दूर तक मखमली हरियाली में फैली हुई है। ठीक, इस प्रकार कई सारी बातें लिखी गई हैं, ये आपको लिखना है। आपको मैं अथवा सहित प्रश्न बता रहा हूं, इसलिए आपको लगभग सारे सारे क्वेश्चन यहाँ पर टिक कर आ जा रहे हैं। नेक्स्ट कहता है, ये तो आएगा नहीं, पहले पूछता था लेकिन अब बंद कर दिया वाला प्रश्न पूछना। कहता है हमारा 10वां नंबर, लता ने बादल रूपी मेहमानों को किस तरह देखा और क्यों? तो देखो यार, लता मंगेशकर की बात कर रहा है और बारिश कई समय से पहले हुई थी, मतलब बहुत समय से बारिश नहीं हुई, तो इसलिए लता का मन बेचैन हुआ करता था। तो जैसे ही बारिश आई तो लता अपने किवाड़े पर खड़ी हो गई और ऐसे देखने लगी जैसे उसके प्रियतम मतलब जिसे प्रेम करती है, जिसे प्यार करती है, वो बहुत दिन से उसके पास घर नहीं आए थे, तो रूठी हुई सी प्रतीत होती थी। बस इतना आपको लिखना था, मैंने आसान भाषा में समझा दिया। हमारा प्रश्न क्रमांक 11 कह रहा है कि अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं? तो यहाँ पर आपको लिखना है कि अरहर और सनई के खेत, सुनहरे खेत को देख करके कवि को ऐसा लगता है कि मानो धरती ने अपनी कमर पर सुनहरे रंग के घुंघरूले वाले करधने पहने रखी हो, जिनमें से किंकिड़ियों की आवाज आ रही है। इस प्रकार से आपको लिखना है। नेक्स्ट कहता है, कभी रसखान के भाव सौंदर्य को बताना है। तो भाई इसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, भाव सौंदर्य ये नहीं आएगा, कुछ दूसरा आएगा, वो मैं टिक करा दूंगा। नेक्स्ट कहता है, आपके एग्जाम में जो आएगा वो है छायावाद के बारे में लिखिए। तो यहाँ पर इसका आंसर लिखा गया है छायावाद के बारे में, वैसे छायावाद की विशेषताएं पूछता है, ठीक, तो इसे भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। चलिए पेज पलटाते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ से सुमित्रानंदन पंत के बारे में पूछेगा। अच्छा, एक तगड़ा क्वेश्चन आएगा, वो ये है कि भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? देख लो भाई, भक्ति काल समन्वय परक लोक चेतना और सदा सहायत से पूर्ण काल था। इसमें विभिन्न वर्गों, वर्ण व्यवस्था, सामाजिक भेदभाव, कर्म कांडों के विरुद्ध आंदोलन, भावात्मक और मानवीय मूल्यों के कारण इसे स्वर्ण युग काल कहा जाता था। ठीक, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट कहता है, भक्ति काल के दो कवियों का नाम और उससे रचना बताना है, ये तो हर एग्जाम में आएगा। और नेक्स्ट ये रहा आपके सामने छायावाद की दो विशेषताएं। ठीक, देख लो, छायावादी सौंदर्य और प्रेम के चित्रण आमूर्ति और भाव प्रणय है। प्रणय का अनुभूति प्राकृतिक के माध्यम से व्यक्त है। मानवीय गुणों एवं नारी का सम्मान, प्रकृति का सजीव चित्रण और उसके सूक्ष्म मानवीय भावनाओं का आरोप, इस प्रकार से तुम्हारे परीक्षा में छायावाद का देखने को मिलेगा। चलिए स्किप करते हैं, नेक्स्ट आपको पढ़ना जो तुम्हारे परीक्षा में आएगा, रसखान जी आएगा और माखनलाल चतुर्वेदी, ये दोनों अच्छे से प्रिपेयर करना है। और नेक्स्ट आएगा आपके एग्जाम में सुमित्रानंदन पंत, ये अथवा सहित में बता दिया हूँ, ठीक है, अथवा सहित पूरा कवर हो चुका है। चलिए अब यहाँ पे लिखा है कि काव्यांशों का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ बताइए। ठीक, तो इसमें से आपको प्रिपेयर करना है दूसरा नंबर, ये रहा आपके सामने, प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी इसको स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ से बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, आप इन्हें छोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स, आपका इकाई नंबर 1 काव्य खंड के सारे क्वेश्चन आंसर को मैंने कंप्लीट कर दिया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अगर पहली बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 17 नंबर का पूरा पेपर कवर हो गया है, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में जिसमें आगे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। हम करते हैं वीडियो को एंड, एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करूंगा, नहीं आया तो वीडियोस आना बंद हो जाएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।